Hello everyone, I welcome you in the class of Accounts, Standard 11th. Today in our e-class of chapter number 2 from your second part, Depreciation of Accounts, I am going to explain you question number 2. So, let us begin. Question number 2. Page number 66. What it says, on 1/4/13, Hansa Limited has balance in machine account in its book of 36,000. Now this is the question totally different from first question which we have done in our last video. This machine was purchased 7 years back. Now ये जो 36,000 बैलेंस है, दिस इज द बैलेंस इन मशीन अकाउंट राइट नाउ. अभी इसका बैलेंस इतना है, अभी इस मशीन का वैल्यू 36,000 है, बट वी हैव परचेज्ड दिस मशीन 7 years बैक, यानी 7 साल पहले हमने ये मशीन को खरीदा है. दिस मशीन वॉज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट ऑफ इट्स बुक वैल्यू ऑन 31/3/14. हमने क्या किया है, ये मशीन को सोल्ड किया है 30% प्रॉफिट पे ऑन 31/3/14. एवरी ईयर कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट 10% अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड. द मेथड इज सेम एज वी हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 1. एसएलएम मेथड है. फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर मशीन अकाउंट. हमें जर्नल एंट्रीज लिखनी है एंड वी आर सपोज टू प्रिपेयर मशीन अकाउंट. नाउ 36,000 इज नॉट द कॉस्ट प्राइस, 36,000 इज इट्स बुक वैल्यू. वो उसका एक बैलेंस फिगर आपको दिया हुआ है. हमें कैलकुलेट करना है कि 36,000 वाला जो हमारा असेट है, मशीन है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा. Now, here we will do the assumption. Let cost price equals to rupees 100. When we have purchased 7 years back. That means, हमने इसको 7 साल पहले लिया है. And rate given to you is 10%. This is given in your question के 10% SLM method हम use कर रहे हैं. Now suppose करते हैं कि cost price अगर हमारा 100 है, तो rate of depreciation 10% है. For 1 year, depreciation will amount to rupees 10. Is this okay to you people? If I show you on calculator, then 100 into 10%, that comes to 10. वापस से 10 ही आएगा इसमें आंसर. This is 10 rupees, the amount of annual depreciation. Now, हर साल हमें स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसके लिए हर साल हमें 10-10-10 रुपए करके डेप्रिसिएशन इसका करना होगा. 7 साल पहले हमने इसको लिया है. So, 10 into 7 comes to 70 रुपीज. हमें कॉस्ट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को क्या करना है, माइनस 10 इंटू 7, दैट टर्न अप्स टू 70 एंड द बैलेंस फिगर इज 30. दिस इज योर करंट बैलेंस. इज दिस क्लियर? नाउ हमें कंपेयर करके फाइंड आउट करना है. कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 100 है, तो सामने हमारा बुक वैल्यू कितना हुआ, 30, डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद. अभी जो 36,000 दिया हुआ है, दैट इज द बैलेंस और बुक वैल्यू. तो यहां पर कॉस्ट प्राइस कितना होगा, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 36,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 30, देन इट विल कम टू रुपीज 1,20,000. Now, this 1,20,000 is the cost price of machine which we have purchased 7 years back.
नाउ हमें क्या निकालना है, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है. एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, एनुअल डेप्रिसिएशन 1,20,000 इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट इज 10%. एनुअल डेप्रिसिएशन हर साल हमें क्या करना है, 12,000 डिडक्ट करना है. इज दिस क्लियर. नाउ लेट अस गो थ्रू विद द वर्किंग ऑफ मशीन अकाउंट. बुक वैल्यू 36,000 गिवन है, दैट इज एज ऑन 1/4/13. फाइन, दिस इज ऑलरेडी इंफॉर्मेशन गिवन इन योर क्वेश्चन. लेस क्या करेंगे यहां पे, डेप्रिसिएशन हाउ मच, 12,000. साल कब कंप्लीट होगा, 31/3/14. एंड माइनस करने पर 24,000. अगेन दिस विल बिकम योर बुक वैल्यू. जैसे जैसे अपन मशीन में से डेप्रिसिएशन रिड्यूस करते जाएंगे उतना उसका यूजफुल लाइफ कंप्लीट होता जा रहा है. नाउ दिस इज योर बुक वैल्यू अगेन ऑन 1/4/14. नाउ 31/3/14 को हमारा ये जो बैलेंस फिगर आया है, हम यही सेम डेट को 31/3/14 को मशीन को बेच दे रहे हैं एट 30% प्रॉफिट. नाउ योर बुक वैल्यू इज 24,000 इंटू 30%, दैट इज 7,200. 7,200 आपका क्या है, प्रॉफिट है. प्रॉफिट आपको मशीन की वैल्यू में प्लस करना है, दैट विल कम टू 31,200. ओके, ऑन द वेरी सेम डेट 31/3/14. सो इन दिस ईयर वी आर सपोज टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर ओनली वन ईयर, बिकॉज एज एंड व्हेन 31/3/14 आ जाता है, एज पर द गिवन क्वेश्चन, हम यही सेम डेट को 31/3/14 को मशीन को क्या कर रहे हैं, बेच दे रहे हैं बाय एडिंग 30% प्रॉफिट ऑन दी बुक वैल्यू. वो भी क्वेश्चन में मेंशन है कि 30% किसका, तो बुक वैल्यू का. बुक वैल्यू इज 24,000 प्लस 30% 7,200 कम्स टू 31,200. दिस इज योर सेलिंग प्राइस. नाउ लेट अस राइट जर्नल एंट्रीज ऑफ हंसा लिमिटेड. नाउ एज इन फर्स्ट क्वेश्चन, हमने इस क्वेश्चन के अंदर मशीन को परचेज किया है ऐसा यहां पर इंफॉर्मेशन नहीं है. दैट्स वाई हम मशीन अकाउंट टू बैंक टू कैश वो वाला जर्नल एंट्री प्रिपेयर नहीं करेंगे. डायरेक्टली हमें डेप्रिसिएशन का एंट्री करना है ऑन 31/3/14. 31/3/14 हमें डेप्रिसिएशन जितना हमने रिकॉर्ड किया है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट बाय 12,000. इज दिस क्लियर. ऑन वेरी सेम डेट हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में उसे ट्रांसफर करना है. 31/3/14 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट विथ सेम अमाउंट दैट इज 12,000. इज दिस ओके. नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, मशीन को बेच रहे हैं ऑन 31/3/14. हम अगर मशीन को बेचेंगे तो बैंक में हमें पैसा आएगा. सो बैंक बिकम्स द रिसीवर, वो वाली भी एंट्री हमें करनी है. बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट. वाई मशीन अकाउंट, बिकॉज मशीन गोज आउट. हमें कितना पैसा मिला है ओवर हेयर, सेलिंग प्राइस गिवन है 31,200. हमें बैंक में 31,200 आएगा. दिस इज द जर्नल एंट्री इन रिलेशन टू सेलिंग ऑफ मशीन. ओके, वन मोर एंट्री हमें करना है
ऑफ प्रॉफिट, हमें कितना प्रॉफिट हुआ है 7200. लॉसेस आर डेबिटेड व्हाइल प्रॉफिट्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, वो हमारी इनकम है ऑन 31314. किसकी वजह से आपको इनकम जनरेट हुई है? फॉर मशीन, सो मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें 7200 ट्रांसफर करना है ऑन सेलिंग ऑफ द मशीन. इज दिस क्लियर? एंड डोंट फॉरगेट टू राइट ओवर हियर नरेशन. फाइन. बीइंग मशीन सोल्ड ऑन प्रॉफिट एंड ट्रांसफर्ड इट टू पीएनएल अकाउंट. आफ्टर जर्नलाइजिंग हमें क्या करना है? मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है. नाउ बैलेंस गिवन टू यू इज 36,000. नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ मशीन? नेचर ऑफ मशीन इज ऑलवेज डेबिटेड बिकॉज इट इज असेट फॉर द बिजनेस. सो हमेशा उसको बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट बैलेंस होगा. एंड इट इज ऑन 1/4/13 टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड. ये क्वेश्चन में आपको गिवन है. हमारा साल कब कंप्लीट होगा? ऑन 31/3/14. हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? डेप्रिसिएशन. यहां पर क्या आएगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. कितने से होगा डेप्रिसिएशन? 12,000. इज दिस क्लियर टू यू पीपल? फिर आप देख सकते हैं, आई एम गोइंग टू शो यू इन जर्नल एंट्रीज. बैंक में आपको पैसा आया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन. मशीन को क्या करना है? आपको क्रेडिट करना है. और ऑपोजिट नेम क्या है? बैंक विथ 31,200. ऑन सेम डेट 31/3/14 मशीन को क्रेडिट करना है बाय बैंक अकाउंट विथ 31,200. ओके. एंड ओवर हियर यू कैन सी मशीन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो 31/3/14 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विथ 7200. नाउ इज दिस मशीन मोर अवेलेबल विथ अस? नो. Why? Because we have sold this machine by adding 30% profit on its book value. इसके लिए my dear students, हमें जब यहां पर totaling करना होगा, then this machine will have no balance with it. Because ये machine अभी हमारे पास नहीं है. 43,200 से ये squared up account, ये टेलीड अकाउंट हो जाएगा. बिकॉज हमने मशीन को सोल्ड कर दिया है, बैंक में पैसा आ गया है, प्रॉफिट भी हमने 7200 कमा लिया है. अभी इसका बैलेंस हो सकता नहीं है. दिस इज अवर टेलीड एंड स्क्वेड अप अकाउंट. दोनों बाजू आपका 43,200 टोटल आएगा. नाउ योर टुडेज टास्क इज इलस्ट्रेशन नंबर 6 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 8. Along with that, question number 2 on page number 66, which I have taught you right now. I hope you all are studying well and understanding through your e-classes. Thank you and have a nice day.